भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 179 रन लगाए। आपको बता दें कि 180 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले 10 ओवर में लड़खड़ाती नजर आई, जहां टीम ने पहले 10 ओवर में 4 विकेट गंवाते हुए मात्र 63 ही रन लगाए। लेकिन इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने एक बार फिर से निराश करते हुए अपनी टीम को मुश्किल परिस्थितियों में छोड़ दिया। टेम्बा बावुमा, जिन्होंने आज एक बार फिर से अपना विकेट सस्ते में गंवाया, उनके जाते ही टीम के ऊपर काफी दबाव आया और साउथ अफ्रीका एक के बाद एक विकेट गंवाने लगा। बता दें कि टेम्बा बावुमा ने आज 8 रन बनाए और उन्होंने अपनी पारी में 10 गेंदों का सामना किया। टेम्बा बावुमा को आज अक्षर पटेल ने अपना शिकार बनाया और इसी के साथ टेम्बा बावुमा के नाम एक खराब रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है। आपको बता दें कि साल 2021 से टेम्बा बावुमा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में 14 पारियां खेली हैं, जिसमें खिलाड़ी 9 बार पावर प्ले के अंदर अंदर आउट हुए हैं। अब तक खेली गई 14 पारियों में पावर प्ले में टेम्बा बावुमा ने मात्र 97 रन लगाए हैं। इस दौरान बल्लेबाज का औसत 10.5 से ऊपर का रहा है और स्ट्राइक रेट बेहद खराब रहा है, जो ये बताता है कि कप्तान 2021 से ही T20 जैसे फटाफट क्रिकेट में अपनी फॉर्म प्राप्त करने में नाकामयाब रही हैं। टेम्बा बावुमा आज भी खराब शॉट खेलते हुए अक्षर पटेल का शिकार हुए और उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने एक भी गलती नहीं की और लगातार दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।